दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इन डिटेल किसी का भाई किसी की जान मूवी के ओपनिंग के कुछ घंटों बाद अल्टीमेटली परफॉर्म कैसे कर रही है। इसीलिए आप भी अगर दिलचस्प हो ये जानने के लिए सल्लू भाई की ये मूवी कितना अच्छा कमा रही है तो मेरे इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहे। और एक सेकंड निकाल के अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दे ऐसे मजेदार रिव्यूज और अपडेट्स के लिए। दोस्तों बड़े बड़े एक्टर्स मारधार बॉलीवुड और साउथ की मिक्स्ड इमोशन और तो थोड़ा कॉमेडी को अगर एक साथ लाया जाए फैमिली वैल्यूज के साथ तब बनती है किसी का भाई किसी की जान जैसी फिल्म्स। और क्योंकि ये फिल्म पूरे फैमिली ओरिएंटेड है इसीलिए आजकल ऐसा फिल्म्स तो देखने को बहुत ही कम मिलता है। इस फिल्म में सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई उल्टा पुल्टा एडल्ट सीन्स नहीं है जिसकी वजह से आप इस मूवी को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इत्मीनान से एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि ये मूवी बनाया गया है उस ऑडियंस के लिए जिनको भाईजान बहुत पसंद है यानी कि सल्लू भाई और उसके साथ उनको मास मसाला वाली फिल्म्स पसंद है। लेकिन दोस्तों ये फिल्म की स्टोरी लाइन 85-90% साउथ के वीरम मूवी से ही लिया गया है। लेकिन इस मूवी में कुछ कुछ सीन्स अलग भी है क्योंकि इसमें जो फाइटिंग सीन्स है वो ज्यादातर बॉलीवुड स्टाइल के हैं। लेकिन अगर आपने वीरम मूवी देख लिया है तो आपको स्टोरी वाइज ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा इस मूवी में। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो आप बहुत ज्यादा एंटरटेन होने वाले हो ये मूवी देखकर। इसका स्टोरी यूं है कि एक भाई है जो अपने मोहल्ले से क्राइम हटाना चाह रहा है वो भी गुंडों से मार पिटाई करके। ये अपने बड़े भाई के लिए भाभी ढूंढ रहे हैं या फिर कह लो अपने लिए एक जान ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये लड़की के लिए भाई बनते हैं या जान बनते हैं वो आप इस मूवी में फाइंड आउट कर पाओगे। दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में ये मूवी थोड़ा सा स्लो पेस में रहता है, इंटरमिशन के बाद ये मूवी काफी ज्यादा फास्ट पेस में चलती है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि सल्लू भाई के एक्शन सीन्स इतने धांसू है कि आपको बोर फील नहीं कराएगा। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी की एक्टिंग स्किल्स में थोड़ी चूक होगी जैसे कि हीरोइन की एक्टिंग थोड़ी सी अननेचुरल भी लगी कहीं कहीं। इस मूवी में तो बहुत सारे गाने हैं फिर भी एक दो गाने छोड़ के सारे गाने एवरेज लेवल पे लगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगी कि एक ऐसी फिल्म है जो सबके लिए बनाई गई है। अगर आप एक्शन मूवी देखना ज्यादा पसंद करते हो तो भी आप ये मूवी देख सकते हैं और तो आपकी माँ को भी ये मूवी पसंद आएगी जिनको आजकल ज्यादातर फैमिली ड्रामा मूवीज देखने को मिलती का है यार। तो ओवरऑल इस मूवी को मैं तो 3 स्टार दूंगी, आप कितना दोगे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार रिव्यूज के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते जरूर कर ले।